हेलो फ्रेंड, मैं आज सभी को साउथ इंडियन हैदराबादी वेज बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप सब देख सकते हो मैंने उसके लिए क्या क्या लिया है। मैंने प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और टमाटर ले रखा है और अब सब मैं सभी को काट चुकी हूँ। आप देख सकते हो मैंने इसे काट के रख लिया है। और हाँ, एक और चीज़ में स्पेशल आपको दिख रही होगी, वो है ये सोया चूंक्स। ठीक है, इसे मैंने बॉइल करके रख लिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद मैं इस सभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ। चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं चावल कितनी ले रही हूँ। मैं इस ग्लास से 1 ग्लास चावल ले रही हूँ। ये बिरयानी राइस है, आप देख सकते हो मैं ये 1 ग्लास चावल ले रही हूँ। और इसको जितना चावल है उसको मैं फिर धो लेती हूँ। ठीक है, ये धोने के बाद आप देख सकते हो, ये धोने के बाद इसमें हल्की सी पानी मैं छोड़ दी हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं कुकर चढ़ाई हूँ। कुकर में मैं ये रिफाइंड ऑयल डाल ली हूँ, आप देख सकते हो मैंने इतना रिफाइंड ऑयल डाला है। उसके बाद मैं इसमें 2 तेज़पत्ता डालती हूँ। ठीक है, उसके बाद तेज़पत्ता थोड़ा सा, अभी ऑयल गर्म नहीं है, थोड़ा सा ऑयल गर्म हो गया, तेज़पत्ता गर्म हो जाएगा ना। उसके बाद मैं इसमें प्याज डालूंगी। तेज़पत्ता हमारी लाल हो चुकी थी, इसके बाद मैंने इसमें प्याज डाला। प्याज डालने के बाद मैं थोड़ा सा प्याज को फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं धीरे धीरे इसमें सारी कुछ डालूंगी। ठीक है, अब इसमें मैं अच्छे से प्याज को सारा डाल लेती हूँ, आप देख सकते हो, और मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अब इसमें कैरेट डालूंगी, क्योंकि अभी तो कैरेट थोड़ा वो होता है ना, जल्दी उसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसमें कैरेट वगैरह डाल लिया है। मैं जितने भी वेजेस है मैं सारी धीरे धीरे करके डाल देती हूँ, आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने कैरेट को डाल करके मैं फ्राई कर लेती हूँ थोड़ा सा। उसके बाद जो टमेटो है मैं उसे भी डाल लेती हूँ, ठीक है, ताकि ये गल जाए जल्दी से। टमेटो को भी मैं डाल देती हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा ये चला लेती हूँ। उसके बाद चलाने के बाद आप देख सकते हो मैं इसमें सारे कुछ डाल रही हूँ। अब जितनी भी मेरी ये कैप्सिकम वगैरह है मैं उसे भी डाल रही हूँ। आप लोग भी, मैं तो इसलिए जल्दी जल्दी डाल रही हूँ ना, क्योंकि ये मेरा कैमरा पकड़ने के लिए कोई है नहीं। ठीक है, ये मैं खुद से पकड़ रही हूँ कैमरा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारी कुछ एक ही बार डाल लेती हूँ। आप इसे चला चला के भी फिर धीरे धीरे भी डाल सकते हो। मैं एक बार ही डाल करके सारा फिर इसे मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो मेरा ये हो गया। अब इसके बाद मैं इसमें सारा गल गया है, मैं इसमें थोड़ा सा धनिया, जीरा, गोलकी पाउडर, जितना भी पाउडर है, पहले तो मैं धनिया पाउडर डाली हूँ, अब मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ। देख सकते हो मैंने थोड़ा थोड़ा ही डाला है। और उसके बाद मैं इसमें गोलकी पाउडर डाल दी, थोड़ा थोड़ा ही डालना है आपको। फिर अपना हल्दी पाउडर वगैरह, फिर नमक, ये सारे मैं डाल दी हूँ। ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि बिरयानी मसाला भी जाएगा ना। उसके बाद मैंने ये, आप देख सकते हो, मैं इसे रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा तीखा होगा इसके लिए मैं डाली हूँ। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ मैं, थोड़ा ही स्पाइसी बना रही हूँ। फिर स्वाद अनुसार नमक आप इसमें डाल सकते हो। स्वाद अनुसार सॉल्ट डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा इसे चला लेती हूँ। चलाने के बाद फिर मैं इसे आपको कंटिन्यू करती हूँ। आप देख सकते हो इसमें मैं ये जो कर्ड है ये भी डाल लेती हूँ। ठीक है, ये कर्ड याद रखना, बिरयानी में कर्ड भी जाते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। कर्ड को भी आप इसमें डाल देना, और कर्ड वगैरह डाल के मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। ये काफ़ी अच्छा से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हो। उसके बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, आप कंटिन्यू देखते हो, कंटिन्यू रहो। उसके बाद ये रहा MDH का वेज बिरयानी मसाला, जो मैं अपने हैंड पे लेकर के, देख सकते हो कितना मैं ली हूँ। इस तरह से मैं थोड़ा सा ली हूँ और इतना ही मैं और डाली हूँ दोबारा। ठीक है, इतना ही मैं दोबारा और डाली हूँ, देख सकते हो आप। उसके बाद अब मैं इसमें रेड चिल्ली पाउडर डालूंगी। ये कश्मीरी मिर्च का पाउडर है, ये खाना में ना जाए तो फिर क्या मजा। और आप ये देख सकते हो ये क्या था, ये था मिंट यानी कि पुदीना। और उसके बाद मैं इसमें जो बिरयानी राइस है वो डाल दी, और आप देख सकते हो बिरयानी राइस डालने के बाद मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। राइस को डालने के बाद मैं चला ली, उसके बाद मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। अब पानी आप बोलोगे कितना डालना है, तो मैं आपको बता देती हूँ सबसे अच्छा ट्रिक, कि जितना चावल उससे थोड़ा सा ऊपर पानी डालना है। ठीक है, मैं नापा तोली नहीं की हूँ, ऐसे नापने के हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ, 1 गिलास चावल तो 1.5 गिलास पानी,
लेकिन मैं नापने के अनुसार से नहीं बता रही हूँ, मैं आपको अपने स्टाइल से बता रही हूँ, जितना चावल उससे ऊपर पानी। और आप देख सकते हो मेरी कुकर मैंने लगा दिया है, और अब लगाने के बाद चलो मैं आपको दिखा सकती हूँ पूरा फ्लेम में है। उसके बाद चलो ये कम्प्लीट होने के बाद दिखाती हूँ मैं आप सभी को। तो देख सकते हो फ्रेंड हमारा वेज बिरयानी कम्प्लीट हो चुका है, मैंने कुकर को ओपन कर दिया है। और देख सकते हो ये कितना औसम, कितना टेस्टी, कितना अच्छा दिख रहा है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ ये इतना टेस्टी बना भी है ना, पूरा अच्छा, मतलब ये पूरा मतलब चिपका भी नहीं होता है ना कि पूरा चिपक जाते चावल वगैरह, एकदम पूरा चावल वगैरह भी बहुत अच्छे से एकदम बने हैं और इतना टेस्टी। आप भी ना ग्रेवी के साथ, अगर आपके पास कोई ग्रेवी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, आप जल्दबाजी में बनाना चाह रहे हो, तो आप बना करके एक बार ट्राई करना, इतना टेस्टी, इतना अच्छा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ाएं ताकि मैं और अच्छी रेसिपी